अथाष्टमो अध्याय पश्चिम दिशा के शिवलिंगों के वर्णन क्रम में महाबलेश्वर लिंग का महात्म्य कथन। सूत उवाच। पाम 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 पा मारे 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 मा पाम मा मारे नी नी सा पाम पा मारे नी ध नी ध प सनी सरे रे रे सनी ध प मग। श्रीणुत सद्भक्त शिवलिंगानि तानि च पश्चिमायां दिशायां वे ज्ञानी ख्यातानि भूतले। सूर्य बोले, हे ब्राह्मणों, अब पश्चिम दिशा में जो जो लिंग भूतल पर प्रसिद्ध है उन शिवलिंगों को सद्भक्ति पूर्वक सुनिए। कपिलायां नगर्या तुकाल रामेश्वर अभिदे शिवलिंग दर्शनात्मपहार के पश्चिमे सागरे चैव महासिद्धेश्वर स्मृत धर्मार्थ काम दशैव तथा मोक्ष प्रलोकी। कपिला नगरी में कालेश्वर एवं रामेश्वर नामक जो महादेव लिंग हैं, जो दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करने वाले हैं, पश्चिम सागर के तट पर महासिद्धेश्वर लिंग बताया गया है जो धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष तक प्रदान करने वाला है। पश्चिम क्षेत्र ब्रह्म कर्णे शिवलिंगानि विद्यन्ते कोटि कोटिशः असंख्यातानि तीर्थानि तिष्ठन्ति च पदे पदे बहुनात्र किमुक्तेन गोकर्णस्थानि सर्वशः शिव प्रत्यक्ष लिंगानि तीर्थानां भासि सर्वशः। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र है जो ब्रह्महत्या आदि पापों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग हैं और पद पद पर असंख्य तीर्थ हैं। इस विषय में अधिक क्या कहें। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित सभी लिंग शिव स्वरूप है एवं वहाँ का समस्त जल तीर्थ स्वरूप है। कृते योगे सही श्वेत श्वेतायां सति लोहितः द्वापरे पितृवर्णश्च कलौ श्याम भविष्यति। हेतात्, महर्षियों के द्वारा गोकर्ण में स्थित सभी लिंगों एवं तीर्थों की महिमा का वर्णन पुराणों में किया गया है। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित महाबलेश्वर शिवलिंग कृति युग में श्वेत वर्ण, त्रेता में अतीव लोहित वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण तथा कलयुग में श्याम वर्ण का हो जाता है। आक्रांत सप्त पाताल रूपी महाबल कपे काली युगे घोरे विदुताम पयासती महापातकिन शात्र समभ्यर्च महाबलम शिवलिंगम च गोकर्णे प्रयाताः शंकरं पदम्। सातों पातालों में आक्रांत करने वाला वह महाबलेश्वर लिंग घोर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल हो जाएगा। महापाप करने वाले लोग भी वहां गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान महाबलेश्वर लिंग की पूजा कर शिव पद को प्राप्त हुए हैं। हे मुनिगण, जो लोग गोकर्ण क्षेत्र में जाकर उत्तम नक्षत्र युक्त दिन में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करते हैं वे साक्षात शिव स्वरूप ही हैं, इनमें संदेह नहीं है। शंकरोहित
यया महाबलान् निधानेन देवः सन्निहितः सदा। जिस किसी भी समय में जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण क्षेत्र में स्थित उस शिवलिंग का पूजन करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। वहाँ पर शिव जी ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं का हित करने की इच्छा से महाबल नाम से सदा निवास करते हैं। विश्वे देवमरुत्कणः आदित्या वसवो दस्रः शशंकश्च सतारकः एते विमानगतयो देवाश्च सह पार्षदः पूर्वद्वारं निषेवन्ति तस्य वै पृथिकारणः। रावण नामक राक्षस ने कठोर तप के द्वारा उस लिंग को प्राप्त कर गोकर्ण में स्थापित किया था। गोकर्ण में गणेश विष्णु ब्रह्मा महेंद्र विश्वदेव मरुद्गण सभी आदित्य सभी वसु दोनों अश्विनी कुमार नक्षत्रों के सहित चंद्रमा विमान से चलने वाले सभी देवता अपने अपने पार्षदों के साथ उन महाबलेश्वर शिव को प्रसन्न करने के लिए पूर्व द्वार पर विराजमान रहते हैं। पितृभिः सह रुद्रश्च दक्षिणाधर्माश्रितः वरुणः सरितानाथो गङ्गाधिसरितां गणैः महाबलं च सेवन्ति पश्चिमकर्माश्रितः। यम स्वयं मृत्यु साक्षात चित्रगुप्त तथा अग्निदेव सभी पितरों एवं रुद्रों के साथ दक्षिण द्वार पर स्थित रहते हैं। नदियों के स्वामी वरुण गंगा आदि नदियों के साथ पश्चिम द्वार पर स्थित होकर महाबल की सेवा करते हैं। तथा वायु कुबेरश्च देवेशि भद्रकालिका मतेभिश्चलिकाद्याभि रुद्रद्वारमाश्रितः। वायु कुबेर देवेश्वरी भद्रकाली चंडिका आदि देवता एवं देवियां मातृकाओं के साथ उत्तर द्वार पर स्थित रहती हैं। सर्वे देवः सगन्धर्वः पितरः सिद्धचारणः विद्याधरः किं पुरुषः किं नराधिपः खगः नानापीशाचरेतानः तृतीयश्च महाबलः नागशेषादयः सर्वे सिद्धाश्च मनयोखिलः प्रणवन्ति च तं देव प्रणमन्ति महाबलं लभन्त इप्सितान् कामान् रमन्ते च यथा सुखम्। सभी देवता गंधर्व पितर सिद्ध चारण विद्याधर किम पुरुष किन्नर गुह्यक खग नानाविध पिशाच वेताल महाबली दैत्य शेष आदि नाग सभी सिद्ध एवं मुनिगण उन महाबलेश्वर देव का स्तवन करते हैं और उनसे इच्छित अनुथों को प्राप्त कर सुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। भूकर्णे शिवलिङ्गं प्रमोक्षद्वार उदाहृतः महाबलाभिधानोऽसौ पूजितः संस्तुतो द्विजः। वहाँ बहुत से लोगों ने घोर तप किया और उन प्रभु की पूजा कर इस लोक तथा परलोक में भी सुख देने वाली सिद्धि प्राप्त की। हे द्विजो गोकर्ण क्षेत्र में स्थित वह महाबलेश्वर नामक शिवलिंग भलीभांति पूजा तथा स्तवन किए जाने पर साक्षात मोक्ष द्वार ही है ऐसा कहा गया है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाबलेश्वर का पूजन विशेष रूप से मुक्ति प्रदान करता है। इस दिन तो पूजा करने पर पापियों का भी समुद्धार हो जाता है। अस्याम शिव तिथो सर्व महोत्सव दिदृक्षवः आयान्ति सर्वदेशेभ्यः चतुर्वर्ण्य महाजनः श्रियो वृद्धशुमानाश्च चतुराश्रमवासिनः
दृष्ट्वा च देवेशं देभिरे कृतकृत्यताम् महाबलसमावर्त्य तच लिङ्गं शिवस्य तु सम्पूज्य कात चाण्डालि शिवलोकं गतद्रुतम्। इस शिव चतुर्दशी में महोत्सव को देखने की इच्छा वाले चारों वर्णों के मनुष्य सभी देशों से यहाँ आते हैं। ब्रह्मचारी आदि आरो आश्रमों के लोग, स्त्री, वृद्ध तथा बालक वहाँ आकर देवेश्वर का दर्शन कर महाबलेश्वर के प्रभाव से कृतकृत्य हो जाते हैं। भगवान शिव के उस महाबलेश्वर नामक लिंग का पूजन करके एक चांडाली भी तक्षण शिवलोक को प्राप्त हो गयी थी। श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटि दुग्ध संहितायाम महाबल महात्म्य वर्णनम नामाष्टमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि दुग्ध संहिता में महाबल महात्म्य वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।